वैसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपने आप को ऐसा लग रहा है कि ये हमारा सौभाग्य है जो हमें ये मौका मिला आने का, और यू नो शूट से सीधे यहीं पे आ गए हैं। बरेल की राजनीतिक आपकी खासियत बात है, यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं, आइडल के गणपति बप्पा कैसे लगे आपको? काफ़ी अद्भुत था। मैं बप्पा की बहुत भक्त हूँ और इतनी सुंदर मूर्ति थी, आंखें इतनी सुंदर है बप्पा की, जैसे देख रहे हैं हमसे बातें कर रहे हैं, इतनी सुंदर मूर्ति थी। वी फील सो ब्लेस्ड। जी जी, ऑडियंस से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं यू नो जी का जो ये एफर्ट है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअली हम कनेक्शन भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस यू नो प्रमोशन कर रहे हैं या कुछ, हमको दर्शन मिल रहा है और लोगों को भी दर्शन मिल रहा है। एट द सेम टाइम लोग को लगता है कि ओके फाइन, ये किरदार है, अच्छा वो वहाँ पे आए थे, चलो देखते हैं सीरियल में भी क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत बहुत अच्छा है। और वैसे भी जी का ये है कि जी हमेशा रिश्तों में बिलीव करता है, तो हम सारे किरदार मिलके बप्पा के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लिया है इस बार, तो बस बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। ओके, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं साड़ियों में, क्या कहना चाहोगे, कौन से डिजाइनर से आप लोगों ने लिया है, बच्चा अगर आप बता सकते हैं? बहुत ही अच्छी साड़ी आप लोगों ने पहना है। हमारी जो डिज़ाइनर है निशा, अच्छा। निशा निशा जी ने ये सब कुछ अरेंज किया हुआ है, सो यू नो तो सब कुछ जो इयररिंग से लेके नेकलेस सब कुछ एवरीथिंग उनका ही एफर्ट है। हमारा जो लुक है वो भी एक टीम वर्क है, हमारे शोज़ भी है जो भी टीम वर्क है, हमेशा हम अकेले कुछ नहीं है अपने टीम के बिना। यही कहेंगे कि शिव शक्ति देखते रहें, बप्पा का आशीर्वाद भी अब हमारे साथ है, बस आपका प्यार चाहिए। 7:30 बजे ZTV पर शिव शक्ति, गणपति बप्पा मौर्या। थैंक यू।